वेल ऑब्वियसली लोकेशन की बात हो रही है, वी ऑल्सो हैव वन ट्रैवलिंग चैनल, सो ऐसी कोई लोकेशन जिसमें आप जाना चाहेंगे और अभी तक आपकी पूरी नहीं हुई? बता कहाँ लेके जाऊँ? मैं जाना चाह रही थी न्यूजीलैंड, सो आई वुड वांट टू गो, इट्स अ वेरी प्रीटी प्लेस, सो सेंट्रो पे जाना है मुझे. सेंट्रो पे जाना है मुझे. मृतिकार पे जाना. पेरू, आई वांट टू गो टू पेरू एक्चुअली. सो गाइस वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल दैट पहाड़ी बॉय, और आज एक खास ब्लॉग के साथ, क्योंकि ये ब्लॉग बहुत होने वाला है खास, क्योंकि इस ब्लॉग में जुड़ने वाले हैं मिका पाजी, और मिका पाजी के साथ ये ब्लॉग कितना एंटरटेनिंग होने वाला है, कितना एंटरटेन वो हम लोगों को करने वाले हैं ये देखना होगा, क्योंकि उनका आज जो है गाना रिलीज हो गया, और गाना रिलीज के इस मौके पर मिका पाजी ने हम सबको जो है कनॉट प्लेस के शानदार PVR हॉल में जो है इन्वाइट किया है, और मिका पाजी क्योंकि आ रहे हैं तो पीछे जो है बैंड बाजे वाले भी आ चुके हैं, मतलब बहुत ढोल के साथ जो है धमाल होने वाला है, तो किस तरह से उनकी एंट्री होने वाली है और क्या क्या सवाल मैं उनसे पूछने वाला हूँ और किस तरह की प्रेजेंस होने वाली है वो पूरी मैं आपको इस ब्लॉग में दिखाऊंगा, तब तक बने रहिए मेरे साथ. तो भाई इस तरह की कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जहाँ पाजी जो है मेका जो है सामने बैठे थे, आप सबने देख लिया किस तरह से गाना प्रमोशन होता है, किस तरह से पूरी ओवरऑल मीडिया आती है. फिलहाल वी आर एंजॉइंग PVR पेप्सी, और इसके करने के बाद हम लोग सीधा वहाँ पे जाएंगे जहाँ पे जो है मेका पाजी से इंटरेक्शन हो रहा है, उसके बाद हम लोग थोड़ी देर मेका पाजी से मिलेंगे और गाने के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे, और क्या क्या बातें होने वाली है और किस तरह से पूरा इंट्रोडक्शन जो है मेका पाजी का होने वाला है वो मैं दिखाता हूँ इसके अगले सेगमेंट में. जिन शख्स से आज आपकी मुलाकात हम कराने जा रहे हैं, पहली बात तो उन्हें पहचान की कोई ज़रूरत नहीं, उनकी आवाज़ ही उनकी पहचान है, क्योंकि अब आज हम बात कर रहे हैं मजनू टीम की कास्ट के साथ, स्पेशली मिका पाजी. बहुत बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले. थैंक यू जी. पाजी लोकेशन बहुत मतलब अमेजिंग होती है, और इस बार की लोकेशन माल्टा, मतलब जैसे कि आपने बताया, आइडिया किसका था? ये मेरा आइडिया था, एंड मुझे मतलब एक फ्री का घूमने को मिल रहा था, तो मैंने यार क्यों ना इसका हम अच्छा फ़ायदा उठाएं. एंड गाना हमने स्मिथ के साथ बनाया था, अच्छा रिमिक्स गाना हो गया, फिर सोचा कि ऐसा कुछ गाना करें, क्योंकि डीजे जब भी आप डीजे स्नेक हो गया या डीजे गेटा हो गया, डेविड गेटा हो गया, इन सब के गाने आप देखेंगे ना, उस पर कोई थीम नहीं होती, उस पर सर एक मस्ती होती है, तो वैसे ही था कि अगर डीजे स्मिथ के साथ हम काम करते हैं तो कुछ ऐसा हो कि जिसमें मस्ती हो, नॉट लाइक मस्ती लाइक फ्लर्टिंग काइंड ऑफ थिंग या लविंग सॉन्ग, इट्स अ रोमांटिक सॉन्ग, बट हमने जो शूट करा है पूरा फ्रेंडशिप वे में शूट करा है. जी शर्मा जी, बहुत कम लोग जानते हैं क्योंकि वैलेंटाइन वीक चल रहा है, और ये मतलब जो है पार्टी सॉन्ग से सीधा वैलेंटाइन वीक पे फेस्टिव सीजन होता है, तो मिका पाजी कोई मौका नहीं छोड़ते. क्या कहना चाहेंगे? मिका पाजी कोई मौका नहीं छोड़ते. बिल्कुल यार, इनके गाने इतने सारे, इतने सुंदर सुंदर है, और हर एक ओकेजन पे एक नया नया गाना निकाल देते हैं ये, सो ऑब्वियसली लव का सीजन कैसे छोड़ेंगे हम, वो तो हमारा हक है. एंड देन इट वाज सच अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन के सारे दोस्त एक साथ आए, जैसे कि मिका कह रहे हैं, मतलब दोस्ती से बड़ा तो प्यार कोई होता ही नहीं ना, तो वो हमने दैट प्योरिटी वी वांटेड टू शो इन दिस सॉन्ग, सो एंड व्हिच इज कमिंग अक्रॉस आई होप, एंड आप सब लोग को पसंद आ रहा है गाना, व्हिच इज फैंटास्टिक. वेल ऑब्वियसली लोकेशन की बात हो रही है, वी आल्सो हैव वन ट्रैवलिंग चैनल, सो ऐसी कोई लोकेशन जिसमें आप जाना चाहेंगे और अभी तक आपकी पूरी नहीं हुई? बता कहाँ लेके जाऊँ? आप लेके जाओगे दूसरे गाने के?
वैसे तो ट्रिप नहीं जाएंगे वो, ये अच्छी बात है, जाना है तो काम करके एक गाना खत्म करके आएंगे। मैं जाना चाह रही थी न्यूजीलैंड, सो आई वुड वांट टू गो, इट्स अ वेरी प्रीटी प्लेस, सो वो बहुत सीनिंग जगह है, सो आई एम अ पर्सन हु लव सीनरीज। सेंट्रो पे जाना है मुझे। सेंट्रो सेंट्रो पे सेंट्रो सेंट्रो पे जाना है सेंट्रो पे मुझे मारुति कार पे जाना है। नहीं यार, मैं बहुत लकी हूँ, हर जगह मैं घूमता रहता हूँ, जहाँ भी मेरे शोज होते हैं तो काफी जगह मैं ऑलरेडी घूम चुका हूँ। पेरू, आई वांट टू गो टू पेरू, चिली। ओके, लास्टली सो सलमान भाई की जब भी फिल्म आती है मेकअप आजी एक मौका नहीं छोड़ते, और मेकअप आजी का गाना उसमें ना ऐसा नहीं हो सकता टाइगर थ्री में कुछ ऐसा है या अब ये तो सरप्राइज ही होगा आपको जल्दी सुनने को मिलेगा। नहीं मैं ऐसे बताऊंगा क्योंकि मैंने एक बार बताया था तो मेरा मुझे सलमान भाई ने डरा दिया था बहुत ज्यादा। चलिए थैंक यू सो मच। तो गाइस कुछ इस तरह का रिस्पॉन्स था, और ये देखा होगा आपने पीछे मजनू की टीम का कुछ तरह से क्या बातें हुई और क्या किस तरह से गाना जो है रिलीज हो चुका है फाइनली, और आज का रिस्पॉन्स ये था। और अब मैं आपको मिलाने वाला हूँ हमारे एक भाई से, एडी भाई क्या नहीं, 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 नहीं। तो भाई जो हमारी तरह जो ट्रैवलिंग है ना, मतलब ट्रैवलिंग का कीड़ा इनके अंदर भी है क्योंकि चैनल इज ऑल अबाउट टू ट्रैवलिंग, और हमने ट्रैवलिंग की चीजें मेकअप आजी और उनकी टीम से ही पूछ ली कि उन्हें क्या कौन सी ऐसी जगह है उनकी जहाँ वो अभी तक पसंद है और जा नहीं पाए। तो आदि भाई से अगर पूछो तो एडी भाई क्या मतलब, इंट्रोडक्शन अभी भी गलत है, एडी भी दिल्ली का ठाकुर, दिल्ली का ठाकुर। तो भाई क्या अभी कौन सी लोकेशन आपकी रह गई जो आप जाना चाहते हैं सर? और पता है सबसे बड़ी बात क्या है भाई, ये लोग भाई एंटॉक लेके निकल जाते हैं यार लद्दाख सर, मतलब टू व्हीलर ट्रैवलिंग ऑन टू व्हीलर इज समथिंग, मतलब आपको ना जो खुशी मिलती है उस पर ट्रैवल करने पे टू व्हीलर पे स्पेशली, और आप मानोगे नहीं मैं 10 साल बाद चला रहा था टू व्हीलर, मतलब घर वालों को बड़ी मुश्किल से मैंने कन्विंस किया कि यार मेरे को बाइक लेना है स्कूटी लेना है, 10 साल बाद कन्विंस करके पाजी मैं पहला ट्रिप मारा मैंने स्पीति, घर वाले कसम से कह रहे गलती होगी भाई तेरे को पेट्रोल के पैसे गाड़ी के देते तो गाड़ी से चला जाता तू पागल है, तो बस यही था कि यार फिर चैनल का बना रहे हो पाजी ये सब होने वाला है लेकिन जल्दी जल्दी, और ये आपको अपडेट देते रहेंगे मेरे भाई मेरी जान। चलिए थैंक यू तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया, सो इफ यू लव दिस वीडियो प्लीज डू इट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू एंड सब्सक्राइब दैट पार्टी बॉय, थैंक यू सो मच।